CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कोटा में नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बसें आखिर फिर से सरपट दौड़ने लगी हैं। कांग्रेस नेताओं ने कोटा के एरोड्राम सर्किल पर सिटी बस ड्राइवर को माला पहनाकर और सवारियों का मुंह मीठा करवाकर बस को रवाना किया। बसों के फिर से शुरू हो जाने से ऑटो चालकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा, वहीं लोगों को भी यातायात का बेहतर साधन मिलेगा। गौरतलब है कि लगभग 2 करोड़ के बकाया भुगतान के कारण 3 महीने से सिटी बसों का संचालन ठप पड़ा हुआ था। भुगतान संकट के पीछे राजनीतिक खींचतान बड़ी वजह रही। दरअसल सिटी बसों के संचालनकर्ता कोटा नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड था, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। बीजेपी बोर्ड में कई बार भुगतान के लिए प्रयास किया गया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा बजट स्वीकृत नहीं करने के कारण बसों का बंद करना पड़ा। इसके बाद जैसे ही 25 नवंबर को बीजेपी बोर्ड का कार्यकाल खत्म हुआ, राज्य की कांग्रेस सरकार ने तुरंत बैठक आयोजित कर बजट स्वीकार कर दिया। बसों के फिर से शुरू हो जाने पर आम नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है। कांग्रेस नेता बीटा स्वामी और कुंदन चीता ने कहा कि बसों के संचालन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया, निगम व प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दिया। फिलहाल 5 सिटी बसों को शुरू किया गया है, धीरे धीरे सभी रूटों पर बस सेवा बहाल हो जाएगी। जब से सिटी बसें बंद हुई थी, छात्रों ने मिलकर जो कोटा के अंदर संघर्ष करा, हस्ताक्षर अभियान चलाया और सिटी बस को चालू करने के लिए एक आंदोलन की भूमिका निभाई, इसके लिए सबसे पहले मैं कोटा के लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आज सिटी बस जो दोबारा से चालू हुई है, ये खड़े गणेश जी और बदाना वाले लिंक पर चालू हुई है, इसके बाद धीरे धीरे पूरे शहर के अंदर सिटी बस चालू हो जाएगी। सितंबर को निगम की लापरवाही मक्कारी की वजह से सिटी बसें बंद हो गई थी। इन्होंने ठेकेदार को भुगतान नहीं किया या और कोई परेशानी हुई, लेकिन जब हमने जनता की परेशानियाँ देखी, उनको आवागमन करने में परेशानी हो रही थी, प्राइवेट जो टैक्सी वाले थे, ऑटो वाले थे, मनमाना किराया वसूल कर रहे थे, उसको लेकर हमने कि उससे रोके, ऐसा मनमाना रवैया रुके, उसको लेकर हमने आंदोलन किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, ADM से मिले, कलेक्टर से मिले, कमिश्नर से मिले और ये निगम के आयुक्त से मिले, महापौर से मिले, उपमहापौर से मिले, जिनके हित को देखते हुए सिटी बस को चलाया गया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करें।